किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम नॉलेज मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं तो वहाँ जो स्टाफ है जो नॉलेज मैनेजमेंट से रिलेटेड है उसको हम कुछ रोल्स देते हैं और उसकी कुछ डेजिग्नेशन हम रखते हैं तो मेजर कैटिगरीज़ कौन सी हैं कि जिनके तहत वो ये रोल प्ले करते हैं उनकी एक लिस्ट हमारे सामने है उनमें सबसे पहला जो रोल है या कैटेगरी है वो है स्ट्रेटजिक रोल्स कि जिसमें स्ट्रेटजी बनाने का काम है इसमें चीफ़ ह्यूमन कैपिटल ऑफिसर होगा इसमें ह्यूमन कैपिटल रिटेंशन मैनेजर हो सकता है तो ये जो इसमें डिटेल के तौर पर बयान किया गया है ये उसकी मिसालें हैं और जो शुरू में नाम दिया गया है वो उन रोल्स की एक कैटेगरी है तो स्ट्रेटजिक रोल जो है ये हाईएस्ट रोल है उसके बाद सीनियर एंड मिडिल मैनेजमेंट रोल्स हैं इसमें चीफ़ नॉलेज ऑफिसर हो सकता है इसमें नॉलेज मैनेजर हो सकता है तो इसमें सीनियर और मिडल मैनेजमेंट लेवल का काम है उसके बाद जो है वो इसके नीचे वाले रोल्स भी होते हैं जैसे मिसाल के तौर पे नॉलेज लीडर्स हैं नॉलेज लीडर कौन होंगे दे आर रिस्पांसिबल फॉर प्रमोटिंग नॉलेज मैनेजमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रमोट करने का काम करते हैं आल्सो रिफ़र टू एज़ के एम चैम्पियंस इनको नॉलेज मैनेजमेंट चैम्पियंस भी कहा जाता है अब ये नामों में फ़र्क क्यों है नामों में फ़र्क इसलिए है कि डिफ़रेंट ऑथर्स ने या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने अंदाज़ से ये डेजिग्नेशन इस स्टाफ को दी है इस वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको नॉलेज लीडर कहा जाता है तो उसको किसी दूसरे ऑथर ने उसको नॉलेज चैम्पियन के नाम से याद किया है इसके बाद रोल है नॉलेज मैनेजर्स का अब ये कौन होते हैं कि हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल नॉलेज कि जो नॉलेज एक्विजिशन का काम करते हैं वो एक्विजिशन चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हो तो नॉलेज को एक्वायर करने का काम नॉलेज मैनेजर करते हैं उसके बाद है नॉलेज नेविगेटर्स दे आर रिस्पांसिबल फॉर नोइंग वेयर नॉलेज कैन बी लोकेटेड कि नॉलेज कहाँ हो सकता है ये उनके इलम में होता है ऑल्सो कॉल्ड नॉलेज ब्रोकरस इनको नॉलेज ब्रोकरस भी कहते हैं कि जो ये लोकेट करते हैं कि नॉलेज कहाँ कहाँ पॉसिबल है या उसकी लोकेशंस क्या हैं उसके बाद है नॉलेज सिंथिसाइजर्स अब जैसे सिंथिसाइज़ के लफ्स से जाहिर है कि नॉलेज को जमा करने वाले रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ सिग्निफिकेंट नॉलेज टू ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड नॉलेज स्टीवर्ड्स कि जो ख़ास तौर पर टेस्ड नॉलेज है इंसानों के जहनों में उसको एक लर्निंग रिपॉजिटिव बनाने के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी बनाने के लिए ये उस नॉलेज को कैप्चर करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करते हैं तो इनको हम नॉलेज सिंथिसाइजर्स कहते हैं इसके बाद रोल है जी कंटेंट एडिटर्स का इनका काम क्या होता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिफाइंग एंड स्ट्रक्चरिंग कॉन्टेंट तो ये कोडिफाई करते हैं उसकी क्लासीफिकेशन करते हैं उसकी कैटलॉगिंग करते हैं और उसको स्ट्रक्चर करते हैं ऑल्सो कॉल्ड कंटेंट मैनेजर्स रोल्स इन्वॉल्विंग कैप्चरिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग नॉलेज इसमें रिसर्चर्स आ जाते हैं इसमें राइटर्स आ जाते हैं इस में एडिटर्स आ जाते हैं और इनका काम क्या है कि नॉलेज को कैप्चर करना और उसको डाक्यूमेंट करना और डॉक्यूमेंट को रिव्यू या एडिट करना इसके बाद है वेब डेवलपर्स एलक्ट्रॉनिक पब्लिशर्स इंट्रेट मैनेजर्स और कंटेंट मैनेजर्स अब ये सारे लोग जो हैं ये नॉलेज को किसी न किसी प्रेजेंटेशन की फॉर्म में लेके आते हैं इंटरनेट हो या इंट्रानेट हो या कोई उसमें पब्लिशिंग का काम हो तो ये लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बाद है लर्निंग ओरिएंटेड रोल्स सच एज़ ट्रेनर्स फैसिलिटेटर्स मेंटोर्स कोचेस अब इन सब का ताल्लुक जो है वो ट्रेनिंग के साथ है कि आपने एम्प्लॉज़ को ट्रेन कैसे करना है इंक्लूडिंग दोस्त विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलपिंग इंफॉमेशन एंड नॉलेज स्किल्स कि जिन्होंने बाकी स्टाफ में इस किस्म की जो है वो नॉलेज और स्किल्स को क्रिएट करना है थ्रू ट्रेनिंग और थ्रू मैंटोरिंग उसमें इस तरह के लोग शामिल होते हैं ट्रेनर्स और मैंटोर वगैरह इसमें फिर है एच आर का ह्यूमन रिसोर्स रोल विद स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटी फॉर डिवल्पिंग प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस दैट इनक्रेज नॉलेज और कल्चर्स एंड बिहेवियर्स इदारे में हर जगह पे इन्होंने ये कल्चर बनाना है कि लोग इंफॉमेशन शेयर करें नॉलेज मैनेजमेंट की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करें तो इस मकसद के लिए ये एच वालों के साथ मिलकर काम करते हैं और ह्यूमन रिसोर्स को उस कल्चर को क्रिएट करने के लिए तैयार करते हैं उसके बाद है नॉलेज पब्लिशर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल पब्लिशिंग फंक्शंस यूजली ऑन एन इंट्रानेट ऑल्सो कॉल्ड वेब मास्टर्स नॉलेज आर्किटेक्ट्स और नॉलेज एडिटर्स इन्होंने पब्लिशिंग का काम करना होता है चाहे वो कोई न्यूज़लेटर की शक्ल में हो या कोई सर्कुलर की शक्ल में हो या वो इंटरनेट पे किसी वेब पेज की शक्ल में हो तो इन्होंने उस किस्म का डॉक्यूमेंट तैयार करके उसको पब्लिश करना होता है दूसरों के साथ डिस्टमिनेट करना होता है इसके बाद रोल है जी कोचिज़ uh, और मैंटोर्स का इनका क्या काम है दे आर रिस्पांसिबल फॉर असिस्टिंग इंडिविजुअल्स थ्रू आउट द बिजनस यूनिट और प्रैक्टिस टू डिवेलप एंड लर्न के एम एक्टिविटीज़ एंड डिसप्लें ये वो मैंटोर्स हैं कि जिन्होंने अपने नॉलेज को अपने जूनियर्स तक ट्रांसफ़र करना है और ये कोचेस हैं कि जिन्होंने जूनियर्स को या नए एम्प्लॉज को नॉलेज सिखाना है या इदारे के कल्चर से वाकिफ़ कराना है इसमें जो आखिरी एक कैटेगरी है वो है हेल्प डेस्क एक्टिविटीज़ कि हेल्प डेस्क या एक सेंटर है जो नॉलेज मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेगा उसके लिए जो स्टाफ है उसे हम हेल्प डेस्क स्टाफ कह सकते हैं इंक्लूडिंग द डिलीवरी ऑफ केम एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रेनिंग आल्सो कॉल्ड के एस ओ इनको हम नॉलेज सपोर्ट ऑफिसर या ऑफिस कह सकते हैं इस ऑफिस में काम करने वाले सारे स्टाफ को हम के एस ओ के नाम से याद कर सकते हैं इस तरह से ये डिफरेंट कैटेगरीज़ में ये रोल जो है वो प्ले करते हैं और जैसे मैंने पहले कहा कि मुख्तफ़ ऑथर्स ने या मुख्तफ़ ऑर्गेनाइजेशंस ने इनको मुख्तु किस्म की डेजिग्नेशन दे रखी हैं